नमस्कार दर्शक बंधु मुँ ज्ञान रंजन स्वागत करुच्ची आपको फाइट फॉर एग्जाम यूट्यूब चैनल को जदि आपन एपर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करना तले थी घंटी आइकन को दबाई सब्सक्राइब करनी आमर जो रिसेंट अपडेट जहाँ आपारे ए टू जेड इनफर्मेसन आम आपको देआसी रही थी जो मैंने आम सहित जोड़ी रही ही केवल एक्सपीरियंस करेंगे आम के क्विक और फास्ट इनफर्मेसन आपने पहुँचाप सदा सर्वदा चेष्टित आ डेरी नक चलतु आरंभ करवा आज एपिसोड जो मैंने एपर्यंत सब्सक्राइब करना तले थी घंटी आइकन को दबाई सब्सक्राइब करनी आम जहाँ रिसेंट अपडेट आसो आपने प्रथम पारे हाँ दर्शक बंधु मुझे ज्ञान रंजन स्वागत करुच्ची आपको फाइट फॉर एग्जाम यूट्यूब चैनल को रेवेन्सा यूनिवर्सिटी एडमिशन रहा हूँ आपंकर शेष पर्याय अंतिम पर्याय जोटा कह गले बीएससी बीकॉम बीए बीबीए बीएससी बीकॉम बीबीए काउंसलिंग ऑलरेडी बीए रा काउंसलिंग हो जाए मुझे ऑलरेडी दे पारिनी मोर देह खराब थी से वेबसाइट सहित टच रही पार नी तेणुपारि ना बीएससी बीबीए एवं बीकॉम जो मैंने चाहूंट अप्लाय करते शेष सुजोग बीएससी बीकॉम बीबीए काउंसलिंग डिटेल्स मुझे आपको ये भिडियो ए टू जेड कह डिस्क्रिप्शन में यार पीडीएफ देदेसी आपठी जापारे कौन रही डिटेल्स ए टू जेड मुझे आप सहित डिस्कसन करी यहाँ हूँ शेष सुजोग आपाई चलत डेरी करवा आ कि डेरी नक चलत आरंभ करवा कौन रही डिटेल नोटिफिकेशन हाँ दर्शक बंधु आपठी देखी पार्थे लिखाई रेवेन्सा यूनिवर्सिटी गाइडलाइंस फॉर बीएससी काउंसलिंग 2020 देखि पार्थे आप से लिखिंट द आप्लिकेन्ट्स आर रिक्वयर्ड टू फलो द बिलो द मीन फलो द बिलो मेनसन इनस्ट्रक्शन ये आपन को इनस्ट्रक्शन फलो कर फास्ट जिनस बीएससी आप्लिकेन्ट्स नीड टू रिपोर्ट इन पर्सन 24 नवेम्बर में आपन को 11टा सुधा केत तारीख दिन मन रखुद 24 नवेम्बर 11टा सुधा आपको पहुँचा पड़ो आनेक्स वन और आनेक्स टू अफ रेवेन्सा यूनिवर्सिटी कटक से पहुँचाक पड़ो तापर कौन दे नीड टू पुट दे आर सिग्नेचर ऑन द रिपोर्टिंग रजिस्टर रिपोर्टिंग रजिस्टर आपको सिग्नेचर करा पड़ो सीट देखा पड़ो से दिन विदाउट रिपोर्टिंग क्लेम आपको रिपोर्टिंग करा पड़ो रिपोर्टिंग जब आप करना आपड़ काउनसलींग रु वंचित हे नेक्स्ट वन रिकमेंड रिक्वयर्ड टू क्यारि ऑन द डे ऑफ काउनसलींग भेन्यू आप कौन कौन डॉक्यूमेंट नहीं जाए पड़ो फास्ट जिनस आधार कार्ड तापर आप रैंक कार्ड पेमेंट स्लिप आपणकर आप्लिकेसन फर्म से फोटो लगे तापर ओरिजिनल सर्टिफिकेट 10 प्लस टू सर्टिफिकेट नहीं जीवे और मार्कशीट नहीं जीवे कास्ट सर्टिफिकेट जब आप अलग किसी रिजर्वेशन अच्छी रिजर्वेशन अनुसार आप कास्ट सर्टिफिकेट नहीं जीवे सी एस टी जब आप अच्छी सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट नहीं जीवे अलग किसी आप एक्स सर्विस मैन आर्मी डिफेन्स पर्सनल स्पोर्ट्स जब अच्छी नहीं जीवे ब्लड ग्रुप सर्टिफिकेट नहीं जीवे आ सब फोटोकॉपी आप सब डॉक्यूमेंट जेरॉक्स दुटा सेट नहीं जाइए आ सहित दु चार फोटो नहीं जाइए आपको लिखी कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू ब्रिंग एडमिशन फीज ऑन द शेप ऑफ डिमांड ड्राफ्ट आप डिमांड ड्राफ्ट नहीं जाए पड़ो रेवेन्सा यूनिवर्सिटी पेबुल आट कटक आपर देखो प्लस थ्री रोएज साइंस जदि अच्छी आपंकर बयेज के प्लस थ्री साइंस बयेज 2450 आ गर्ल्स है 2250 वन्स द एडमिशन इज कन्फर्म कैंडिडेट आपंकर एडमिशन जब कन्फर्म होगा तेल आपको कौन नहीं जाए पड़ो आपण को 30 तारीख दिन आपंकर सी एल सी डिपोजिट करा पड़ो ये को मानक डाकि देखो ये आप लिस्ट कैंडिडेट्स हु आर रिपोर्टेड ऑन 5 नवंबर आज आर इन द जो मैंने 5 नवंबर रिपोर्ट करते ना आपणकर लिस्ट ना तो से आप रिपोर्ट करें एट्रे एडमिशन एट्रे आप कौन करेंगे जा हेल्पलाइन नहीं पारे आपणकर फाइनाल आप सर्टिफिकेट ओरिजिनल सर्टिफिकेट दखल करें ना तो आपको वेटेज मिलना तापर कौ कौती कौन सीट अच्छी वैकेंसी देखो केमिस्ट्री जब आम देखा बटन अच्छी जनरल दुईटा एस टी ना एस सी पीएचडी अच्छी दुईटा केमिस्ट्री देखा एस टी चार्टा एस सी दुईटा पीएच दुईटा कंप्यूटर साइंस आपंकर जनरल छटा एस टी पांचटा एस सी दुईटा और पीएच दुईटा तापर देखा इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स आपंकर अच्छी केवल एस टी तीन टा एस सी दुईटा और पीएच रोटे जियोग्राफी देखा जदि एस टी रोटे एस सी रोटे पीएच गोटे जिओलोजी जनरल गोटा है एमतीया मैथमेटिक्स से भाया जनरल दुईटा मैथमेटिक्स जनरल दुईटा एस सी तीन टा एस टी गोटे पीएच गोटे फिजिक्स
ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି ଏସ୍ଟିର ଗୋଟାଏ, ଏସ୍ସିର ଦୁଇଟା, ଆଉ ଷ୍ଟାଟିକ୍ସରେ ତିନିଟା ଜେନେରାଲ, ପାଞ୍ଚଟା ହେଉଛି ଏସ୍ସି ଆଉ ଦୁଇଟା ଏସ୍ଟି ଆଉ ପିଏଚ୍ ଗୋଟାଏ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଜୁଲୋଜିରେ ଗୋଟାଏ ଏସ୍ସି, ଗୋଟାଏ ଏସ୍ଟି, ଗୋଟାଏ ପିଏଚ୍। ଏସବୁ ପିଲାଙ୍କର ନାଁ ଲିଷ୍ଟ ଡକାଯାଇଛି, ଏଇମାନେ କେବଳ ଯିବେ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ନାଁ ଅଛି କି ନାହିଁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଯାଇକି ସେଠି ଉପସ୍ଥିତ ରୁହନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଆଡ଼ମିସନ୍ ହୋଇଗଲା ଭଲ କଥା। ଏ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏହାର PDF ଦେଇଦେବି, ଆପଣମାନେ ସେଠି ଚାହିଁଲେ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ତଳେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆମର ଯାହା ରିସେଣ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିବ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ, ଗୋଟିଏ ବି ଅପଡ଼େଟ୍ ମିସ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହାର PDF ମଧ୍ୟ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଦେଇଦେବି, ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆପଣ ସେଠି ଯାଇକି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଲେଖା ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କର ଏଭାନ୍ସା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଫର୍ BBA ଆଉ BCOM କାଉନ୍ସିଲିଂ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର BBA ଆଉ BCOM ଆପ୍ଲିକାନ୍ସ ନିଡ଼୍ ଟୁ ରିପୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କର 24 ନଭେମ୍ବର 11ଟାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକିଛନ୍ତି ଆନେକ୍ସ ୱାନ୍ ଆଉ ନେକ୍ସଟ୍ ଟୁ ରେଭେନ୍ସା ୟୁନିଭର୍ସିଟି। ଆପଣଙ୍କ ସିଗ୍ନେଚର୍ ରେଜିଷ୍ଟର୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଗ୍ନେଚର୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସିଗ୍ନେଚର୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ୱିଦାଉଟ୍ ରିପୋର୍ଟିଂରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଠି ଆଲାଉ କରିବେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଏକା ଡିଟେଲ୍ସ ଅଛି, ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ନେଇକି ଯିବେ, ଆର୍ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ ରାଙ୍କ୍ କାର୍ଡ଼ ନେଇକି ଯିବେ, ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ନେଇକି ଯିବେ, ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ପେଷ୍ଟ କରିବେ, କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଫଟୋ ଗୋଟେ ପେଷ୍ଟ କରିବେ, ତାପରେ 10th ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, +2 ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଆଉ ତାପରେ ଅରିଜିନାଲ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପଣ ସବୁ ନେଇକି ଯାଇଥିବେ। ଆପଣ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଯଦି ଅଛି, ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଯଦି ଏସ୍ଟି ଏସ୍ସି ଆଉ ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଅଛି ଆପଣ ନେଇକି ଯାଇଥିବେ, ବ୍ଲଡ଼୍ ଗ୍ରୁପ୍ ନେଇକି ଯାଇଥିବେ, ଗୋଟେ ସେଟ୍ର ଜେରକ୍ସ କପି ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିବେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିମାଣ୍ଡ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ବି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ହେଇଗଲେ ଡିମାଣ୍ଡ ଡ୍ରାଫ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କର ଫି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ହେଉଛି +3 କମର୍ସ ରହୁଛି 1950, ବଏଜ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗାର୍ଲସ୍ ହେଉଛି 1750, BBA ହେଉଛି 37450, BBA ଗାର୍ଲସ୍ ହେଉଛି 37250। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆଡ଼ମିସନ୍ କନଫର୍ମ ହୋଇଗଲା ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 30 ତାରିଖ ଦିନ CLC ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ୍ ବ୍ଲକ୍ରେ ଯାଇକି। ସେ ଏକା ଜିନିଷ ଦେଇଛି, କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ ହୁ ଫେଲ୍ ଟୁ, ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଅରିଜିନାଲ୍ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ ତାହେଲେ ନେକ୍ସଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଚାନ୍ସ ଦିଆଯିବ। ଭ୍ୟାକାନ୍ସି ଲିଷ୍ଟ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, BBAରେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର 5ଟା ସିଟ୍ ଅଛି, ଜେନେରାଲ୍ ଏସ୍ସିରେ ନାହିଁ, ଏସ୍ଟିରେ ନାହିଁ, ESM ଏଗୁଡ଼ା କିଛି ନାହିଁ ନା। BCOMରେ ଅଛି ଜେନେରାଲ୍ରେ 9ଟା, ଏସ୍ସିରେ ଗୋଟାଏ, ଏସ୍ଟିରେ 5ଟା ସିଟ୍ ଅଛି, ଆଉ ଏସ୍ଟିପିରେ ଗୋଟେ ଅଛି ଡିଫେନ୍ସ ପର୍ସନାଲ୍। ଏଇ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ନାଁ ସବୁ ଦେଇଦେଇଛି, ଲିଷ୍ଟରେ ଦେଇଦେଇଛି, ଲିଷ୍ଟରେ ଆପଣ ନେଇକି ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ସର୍ଚ୍ଚରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ନା ନାହିଁ। ଏଇ ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଇନଫର୍ମେସନ୍। ଯଦି ଆପଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତଳେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ଗୋଟେ ବି ଅପଡ଼େଟ୍ ମିସ୍ କରିବେ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ରହୁଛି, ଆଜି ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଇନଫର୍ମେସନ୍। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ଶୁଭ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ।